उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक चपरासी पति ने अपनी अधिकारी पत्नी पर बड़ा आरोप लगाया है। चपरासी पति का कहना है कि उसको अपनी पत्नी से जान का खतरा है। एक और सफाई कर्मचारी के रूप में काम करने वाले पति ने अपनी पत्नी के चैट शेयर करते हुए आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी के संबंध गाजियाबाद में होमगार्ड के कमांडेंट से हैं और दोनों मिलकर पति के हत्या की साजिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पीड़ित पति ने अपनी एसडीएम पत्नी पर रिश्वत लेने के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। रिश्वत लेने के सबूत देते हुए कार्रवाई की भी मांग की है। सफाई कर्मचारी की पत्नी बरेली में पीसीएस अधिकारी के रूप में तैनात है। इस पूरे विवाद के बाद देश के डीजी होमगार्ड बीके मौर्य ने जांच के आदेश दिए हैं। प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र के झलवा इलाके के रहने वाले आलोक कुमार मौर्य की शादी वर्ष 2010 में वाराणसी की रहने वाली ज्योति मौर्य के साथ हुई थी। शादी के समय आलोक पंचायत राज विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे, जबकि पत्नी ज्योति मौर्य ने उससे पढ़ने की इच्छा जताई थी। इसके बाद आलोक अपनी पत्नी को लेकर प्रयागराज आ गया और यहां पर उसने सिविल की तैयारी के लिए कोचिंग कराई। 2016 में यूपी लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा में ज्योति मौर्य का 16वें नंबर पर एसडीएम पद पर चयन हुआ। इसके बाद जो हालात बदले वो प्रदेश में चर्चा का केंद्र बन चुका है। इस पूरे मामले पर पीसीएस महिला अधिकारी का आरोप है कि शादी के समय पति ने खुद को ग्राम पंचायत अधिकारी बताया था, लेकिन वह सफाई कर्मी निकला। महिला अफसर कहती है कि धोखे की बुनियाद पर कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहिए। शादी के 8 वर्ष बाद उन्हें सच पता चला कि उनका पति सफाई कर्मी है। परिवार बचाने और बच्चों के भविष्य के खातिर ही उन्हें समझौता करना पड़ा, लेकिन मानसिक प्रताड़ना बर्दाश्त नहीं कर पाई और इसलिए थक हार कर अप्रैल में तलाक की अर्जी लगा दी, क्योंकि ऐसे माहौल में साथ रहना संभव नहीं था।